हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज मैं बात करूंगा थोड़ा सा आईआईएम मैंगलोर के बारे में, क्योंकि आईआईएम मैंगलोर इस बार 2022 में कैट का कन्वेनर था। उसके बाद आपको क्या है ना, जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट था, हो सकता है कि कैट 23 का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आईआईएम कलकत्ता रहेगा नेक्स्ट इस ईयर। 26 नवम्बर 2023 में कैट होने वाला है, जिसको मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ आईआईएम मैंगलोर के इंटरव्यू के बारे में, पर्सनल इंटरव्यू का। जितना ज़्यादा जैसा क्वेश्चन आता है मैं उसको बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड प्लीज़ गो थ्रू माई वीडियोज़, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, तो क्या है ना, इसको क्या ग्राफ पूछता है, उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, डिटेल्स में क्या पूछेगा आपको, अंडर ग्रेजुएट का जो जितना सारा सा आपको जिसमें अंडर ग्रेजुएट किए हैं आप, उसमें से क्वेश्चन पूछने लगेगा। तो ये सब चीज़ बहुत सारा चीज़ पूछता है। उसके बाद और एक बात क्या है, क्योंकि देखो यार, ये सब चीज़ है क्या है ना, जे जिसका पास एक्सपीरियंस रहेगा वही आपको बता पाएगा। इधर उधर का जो क्या है ना, जे आप फॉलो करते रहते हो फेसबुक में, देखते हो कि यूट्यूब में देखते हो, वो आपको बता नहीं पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है ना, जे मैं जैसे बोला हूँ वैसे ही फॉलो करते रहो, उसके बाद ऑटोमेटिकली यू विल बी बेनिफिटेड एंड यू विल गेट द सेम क्वेश्चन दे विल आस्क इन द इंटरव्यू। ओके, तो क्या है ना, जे आई एम बेंगलोर के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई एम अहमदाबाद में जिसका इंटरव्यू लगता है, मान लो उसमें आई एम अहमदाबाद में पूछ लिया कि आपको आई एम अहमदाबाद नहीं होगा तो क्या करोगे, तो उस टाइम सियोर बोल दे कि आई एम बेंगलोर मेरे को जाना है। क्योंकि आई एम बेंगलोर मिलना भी उतना आसान नहीं है, वो भी वैसे ही है, लेकिन क्या ना, थोड़ा सा इंजीनियर को इंक्लाइंड है, लेकिन उतना भी नहीं है। आप जैसे पूछ रहे हो वहाँ पर भी एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी इज ए बिग क्राइटेरिया और ऑल्सो इन आई एम बेंगलोर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, लास्ट ईयर में जो था इंजीनियरिंग, फीमेल था 94, मेल था 298, टोटल 392 था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एंड 480 टोटल था आपको अदर्स बैकग्राउंड, ठीक है ना। उसके लिए फीमेल था टोटल 142 एंड मेल था 338, तो 330 प्लस 142 इज इक्वल टू 480, लगभग 500 सीट है उसको, ठीक है ना। उसके बाद क्या है ना, जो 10 कैंडिडेट्स है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ सी एस सी एस एस सी डब्ल्यू है एंड पी जी पी 22 में था 81.70% आपका ये, अरे 71.84% पीजीपी 21 था आपको सी एस सी एस सी एस एंड आई सी डब्ल्यू है बैकग्राउंड पर। तो यूनिवर्सिटी टाइप जो है, आईआईटी से किया है टोटल 77 एंड एनआईटी से किया है 114, ठीक है ना। आईआईटी से है 16% एंड एनआईटी से है 23%। तो उसके बाद स्कोर इज वेरी हाई फॉर द जीमैट ओवरसीज कैंडिडेट, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। तो इसमें क्या ना, एक्सपीरियंस का बात करेंगे तो यहाँ पर नो एक्सपीरियंस था 119 एंड ओवरऑल का एक्सपीरियंस था 3 साल से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है, 4 साल से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है 22 को था। उसके बाद मैक्सिमम था आपको 2 से 3 साल का अंदर में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है ना, जो वेरी लेस एक्सपीरियंस था आपको 2 मंथ्स एंड मैक्सिमम था 70 मंथ्स। 70 मंथ्स मीन्स लगभग 6 ईयर्स, लेस देन 6 ईयर्स एंड एवरेज था 23 मंथ्स, आई मीन दैट 2 ईयर्स। तो एवर एज प्रोफाइल 22 का है, जो देखो यहाँ पर देखिए, एज जो है मैक्सिमम 17 से 46 मेल था, उसके बाद टोटल है 63, 23 से 25 था आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेस देन एज है इन लोगों का। 23 से 25 था आपको 90 फीमेल एंड 193 मेल, 26 से 28 में 34 को फीमेल, 94 मेल एंड अबव 28 था 1 फीमेल एंड 5 मेल। तो वहाँ अबव 28 में मीन्स 30 साल से ज़्यादा भी था यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, तो देखिए यहाँ पर 31 ईयर्स इज द हाईएस्ट एज एंड लोएस्ट एज इज 20 ईयर्स एंड 24 ईयर्स इज द एवरेज एज। ओके, सो दिस इज आई एम बैंगलोर, प्लीज़ गो थ्रू दैट। एंड पी जी पी एडमिशन के लिए यहाँ पर वी आर सी सेक्शन में आपको 80% चाहिए होता है, डी आई एल एल में 75, क्वांट में 75, तो एग्रीगेट में 85, लेकिन आपको 99.9998 लगभग नहीं आने से आपको कभी कॉल नहीं आएगा आई एम बैंगलोर से। ये सीधा बात है, क्योंकि जिसका जैसा कॉम रहता है उसके लिए उसका कट ऑफ किया गया है। मान लो उसका 99.98 आ रहा है, लेकिन उसका थोड़ा बीआरसी में कम हो गया, 85 आ गया, तो उसके लिए क्या है ना, जब आपको 80% में उसका कट ऑफ है, उसमें क्या है ना, ऑटोमेटिक आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एन सी ओ बी सी का 70 है बीआरसी में, डी एल एल का 65 है, क्वांट का 65 है, एग्रीगेट का 75 है, डी डब्ल्यू एस का 70 है बीआरसी में, 65 में डी एल एल में, क्वांट में 65 है, एग्रीगेट में 75। एस सी में 65 है बीआरसी, 60 है डी आई एल आर, 60 है क्वांट एंड 70 एग्रीगेट टोटल। एस टी में 55 आपको बीआरसी, 55 है डी आई एल आर एंड 55 है क्वांट एंड 65 एग्रीगेट टोटल। पी डब्ल्यू डी में
आपको 50 है बीआरसी, 50 है डीआईएलआर एंड 50 है क्वांट एंड 60 इज द एग्रीगेट। सो दिस इज द थिंग। तो क्या है ना, आपको मिनिमम एग्रीगेट 85 चाहिए। मिनिमम नहीं भाई, उसको 99.98 नहीं आने से आपको नहीं होगा, सीधा बात है। वहाँ पर 480 सीट है तो मोटा मोटी आपको 1300-1400 कॉल आएगा, उससे ज़्यादा कॉल नहीं आएगा मतलब, ठीक है ना। 500 सीट है तो मोटा मोटी 1500 लगभग कॉल आएगा, 1400 समथिंग कॉल आएगा। उसके बाद 10-12 का मार्क्स चाहिए होता है। उसके बाद थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस आपको रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसके लिए शॉर्टलिस्ट होने में ठीक लगता है। लेकिन क्या है ना, दिक्कत नहीं होता, लेकिन जॉब एक्सपीरियंस आपको नहीं रहेगा तो उसमें भी दिक्कत है। एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में, जेंडर डाइवर्सिटी का तो पूरा इस्तेमाल है, लेकिन एकेडमिक डाइवर्सिटी के बारे में इन लोग थोड़ा सा इंक्लाइन है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कैंडिडेट को लेने के लिए। लेकिन दे आर द बेस्ट एज बिकॉज इफ यू वू हैव अनेबल टू परफॉर्म इन द इंटरव्यू, दे विल नॉट टेक इन द इंटरव्यू। सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड यहाँ पर मैं बहुत सारा वीडियो में बना चुका हूँ इंटरव्यू के बारे में, तो उसको फॉलो करो, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट इंटरव्यू। सो होप फॉर द बेस्ट एंड प्लीज़ गो थ्रू माई वीडियोज एंड यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड एंड प्लीज सपोर्ट दोज थिंग्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।